दोस्तों इस वक्त इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज का दौरा कर रही है, जहां पर 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली गई थी, जिसमें वेस्टइंडीज की टीम ने 2 मुकाबले जीतकर इस सीरीज पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों अब 3 ओडीआई मैचों के बाद 5 मैचों की टी20आई सीरीज खेलेगी वेस्टइंडीज और इंग्लैंड की टीम। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वेस्टइंडीज वर्सेज इंग्लैंड के बीच होने वाले फर्स्ट टी20आई मैच की, जिसमें हम आपको बताएंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, की प्लेयर्स के नाम, साथ ही वेन्यू एनालिसिस के बारे में। तो दोस्तों वेस्टइंडीज वर्सेज इंग्लैंड के बीच फर्स्ट टी20आई मैच खेला जाएगा कैंसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन बारबाडोस में। तो दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए ब्रिजटाउन में अभी तक टोटल मैचेस खेले गए हैं 22, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का पलड़ा रहा है भारी, 16 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो वहीं दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मात्र 6 ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। एवरेज स्कोर यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 158 का, हाईएस्ट स्कोर रहा है यहां पर वेस्टइंडीज के नाम 224 का। तो वहीं लोएस्ट स्कोर बनाया है अफगानिस्तान की टीम ने 10 विकेट खोकर 80 रन। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो इस पिच पर दोस्तों स्कोर बिलो 150 बना है 8 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 बना है 6 टाइम्स, स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 बना है 5 टाइम्स, तो वहीं स्कोर अबव 190 बना है 3 टाइम्स। तो देखिए ये तो हो गई वेन्यू एनालिसिस की बात। अब हेड टू हेड कंपैरिजन की अगर बात करें कि आखिर टी20आई सीरीज में ये दोनों टीमें कितनी बार आमने सामने आई हैं, तो देखिए 24 टाइम्स दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ है। वेस्ट इंडीज ने 14 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, तो वहीं इंग्लैंड ने मात्र 10 ही मुकाबले जीते हैं। यानी कि यहां पर भी कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों हमें वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर इंग्लैंड की टीम टी20आई सीरीज को जीतने की भरपूर कोशिश करेगी, क्योंकि ओडीआई सीरीज में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में वेस्ट इंडीज जो है यहां पर कोई भी गलती करना नहीं चाहेगी। एक सीरीज वो जीत चुकी है और दूसरी सीरीज में भी वो जीत दर्ज करने की भरपूर कोशिश करेगी। तो ऐसे में वेस्ट इंडीज के जो प्लेइंग 11 होगी उनमें किन खिलाड़ियों को जगह मिलेगी उनके नाम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहां पर शामिल रह सकते हैं काइल मायर्स, ब्रेंडन किंग, रोमन पवेल, निकलस पूरन, शिमरन हेटमायर, आंद्रे रसेल, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, रॉस्टन चेज, अल्जारी जोसेफ और गुड़ाकेश मोटी। तो ये 11 खिलाड़ी हमें नजर आ सकते हैं दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ फिरते हुए। अब इनमें से की प्लेयर्स की बात करें कि आखिर यहाँ पर कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो कि शानदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने टी20आई में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला नाम हमने शामिल किया है रोमन पवेल का, जिन्होंने 63 टी20आई मैचेस खेलते हुए 139.61 के स्ट्राइक रेट से 1082 रन स्कोर किए हैं। काइल मायर्स का नाम हमने रखा है यहाँ पर, जिन्होंने 29 मैचेस खेलते हुए 550 रन स्कोर किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 137.16 का। अगला नाम है दोस्तों निकलस पूरन का, जिन्होंने 80 मुकाबले खेलते हुए 132.01 के स्ट्राइक रेट से 1662 रन स्कोर किए हैं। देखिए ये तो बात हो गई बल्लेबाजों की, अगर यहाँ पर ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर जिसे शामिल करेंगे हम वो होंगे जेसन होल्डर, जिन्होंने 55 मैचेस खेले हैं, यानी कि 55 टी20आई मैचेस खेलते हुए उन्होंने 407 रन स्कोर किए हैं, साथ ही गेंदबाजी में कमाल करते हुए 57 विकेट्स भी अपने नाम किए हैं। देखिए अब नजर डाल लेते हैं गेंदबाजों पर, तो गेंदबाजों की लिस्ट में हमने अकील हुसैन को रखा है, जिन्होंने 39 मैचेस में 31 विकेट चटकाए हैं 7.22 के इकोनॉमी रेट से। और आखिरी नाम है अल्जारी जोसेफ का, जिन्होंने 16 मैचेस खेलते हुए 26 विकेट्स अपने नाम किए हैं और उनका इकोनॉमी रेट रहा है 8.08 का। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लैंड की भी प्रोबेबल प्लेइंग 11 की, आखिर यहां पर किन 11 खिलाड़ी को जॉस बटलर देंगे मौका वेस्टइंडीज के खिलाफ भिड़ने का, क्योंकि देखिए यहां पर एक सीरीज हाथ से निकल चुकी है और दूसरी सीरीज के लिए जॉस बटलर किन धुरंधरों को शामिल करेंगे उनके नाम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहां पर शामिल रह सकते हैं बेन टकेट, विल जैक्स, हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टोन, जॉस बटलर, मोइन अली, सैम करन, गस एटकिंसन, आदिल राशिद, टाइमल मिल्स और रेहान अहमद। तो दोस्तों ये वो 11 खिलाड़ी है जो कि वेस्टइंडीज से भिड़ते हुए नजर आएंगे हमें फर्स्ट टी20आई मैच में। अगर की प्लेयर्स की बात करें इंग्लैंड की टीम के, तो देखिए विल जैक्स ने 6 टी20आई मैचेस खेलते हुए 108 रन स्कोर किए हैं और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 152.11 का। जॉस बटलर जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने 109 टी20आई मैचेस खेलते हुए 144.67 के स्ट्राइक रेट से 2766 रन स्कोर किए हैं। गेंदबाजी पर नजर डालें तो सैम करन है यहां पर जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं और अभी तक उन्होंने 41 टी20आई मैचेस में 42 विकेट्स अपने नाम किए हैं और उनका इकोनॉमी रेट रहा है 7.68 का। मोइन अली है जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर यहां पर साबित हो सकते हैं इंग्लैंड की टीम के लिए। बता दें कि उन्होंने 78 टी20आई मैचेस खेलते हुए 1109 रन बनाए हैं, साथ ही गेंदबाजी में
43 विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। और गेंदबाजी में देखिए, गस एटकिंसन है जिन्होंने 2 मैचेस में 6 विकेट निकाले हैं 7.46 इकोनॉमी रेट से। और आखिरी नाम है रेहान अहमद का जिन्होंने 3 मैचेस खेलते हुए 3 विकेट चटकाए हैं और उनका इकोनॉमी रेट रहा है 7.11 का। तो ये हो गए दोस्तों दोनों टीम्स की प्लेइंग 11, साथ ही की प्लेयर्स के नाम भी जो कि फर्स्ट T20I मैच में हमें शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। अब फाइनली बात करें, देखिए फर्स्ट T20I मैच में आखिर कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी। तो देखिए यहाँ पर इंग्लैंड की टीम बाजी मार सकती है क्योंकि यहाँ पर पहली सीरीज वो गवा चुकी थी, तो उसे देखते हुए यहाँ पर वो अच्छा प्रदर्शन करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए पिच के हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते हैं, यानी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो डेफिनेटली यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग करना चूज कर सकती है, यानी कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम मुकाबले को जीतने में कामयाब हो सकती है। तो वहीं टीम के लिहाज से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की टीम का पलड़ा इस वक्त भारी चल रहा है, प्लेयर्स के जो स्टैट्स हैं वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं और इस वक्त फॉर्म भी काफी अच्छी दिखाई दे रही है वेस्ट इंडीज की टीम की। तो डेफिनेटली यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम इस मुकाबले को जीतती हुई नजर आ सकती है। वैसे तो 50-50 चांसेस हैं दोस्तों देखिए, लेकिन वेस्ट इंडीज का पलड़ा भारी नजर आता है, तो वेस्ट इंडीज की टीम इस मुकाबले की जीत की दावेदार हमें नजर आ रही है। अब आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ हमारे इस वीडियो पे लगाते हैं फिलहाल विराम, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।